पाकिस्तान का अपने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर इजहार ताज्जुब। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके तहफुजात से आगाह करने का फैसला। हमारे एटमी असासे महफूज और आलमी कवानीन के मुताबिक हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है अमरीकी सदर के बयान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल की तस्दीक। पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करता है। हमारा एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। पाकिस्तान अपने कौमी मुफादात के तहफ्फुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है और आज़ाद रियासतों की तरह अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ्फुज़ का हक रखता है। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का रद्द अमल। दरोगोई और इल्जामात लगाना इमरान खान का वतीरा है। पहले कहते थे कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, अब कहते हैं कि हुकूमत के दौरान मुझे फैसला ही नहीं करने दिया गया। इमरान खान का दोहरा मयार दुनिया के सामने आ चुका है। मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले किए हैं, इखलास और नेक नीयति का सिला जरूर मिलेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेरिस क्लब के अलावा बाकी मानदा 27 अरब डॉलर के कर्जों की रीशेड्यूलिंग चाहते हैं। करेंसी की कदर के मामले पर हुकूमत फिजिकल मुदाखलत नहीं कर रही। हालिया सैलाब के बाइस कई मिलियन टन गंदम दरामद कर सकते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का रॉयटर्स को इंटरव्यू। वजीर खजाना ने पाकिस्तान के दिवालिया होने, दिसंबर में काबले अदायगी बॉन्ड्स की मेच्योरिटी तारीख में तौसी और IMF प्रोग्राम फंड पर दोबारा मुजाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। कौमी असम्बली के आज पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। 11 हलकों में 101 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 44,72,000 से ज्यादा है। पंजाब में 1,434, खैबर पख्तूनख्वा में 989 और कराची में 340 पोलिंग स्टेशन कायम। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। और T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से ऑस्ट्रेलिया में सज रहा है। अफ्तिताही रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और नामीबिया की टीमें सुबह 9 बजे मद्दे मुकाबिल। दिन 1 बजे मुतहदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स होंगे आमने सामने। मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कराम तलबा एजाम जमत तलबा इस्लाम और जमत तलबा इस्लाम के नौजवानों, सबसे पहले मैं इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस मुनक़द होने पर जमे तलबा इस्लाम के कारकुनों को, उनके जिम्मेदारों को मुबारक। आज आपको बताएं कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसके अंदर खिताब आपके साथ शेयर किया जा रहा था। बराह रास्त मुनासिर आपको दिखा रहे हैं, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस काफ़ी तकरीरें हो गई। किसी ने मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के उस पहलू को उजागर कर दिया
कि एक मुफस्सर थे, एक मुहद्दिस थे, एक मुफ्ती थे, एक तहज्जुद गुजार आदमी दीन थे, लेकिन बहुत ऐसे हो सकते हैं। मेरे नज़र में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी में जो हम हर साल उनके याद में कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, तो सबसे बड़ी कारनामा और उनका किरदार यही है कि हमें उलमा तलबा दीनदार तबके को उन्होंने वहाँ दीन के बागियों के साथ लड़ने, मुल्क के बागियों के साथ लड़ने और उनके हरबों को हमें सिखा दिया। लिहाजा आपको मालूम है कि पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ा फितना, जो फितना कायदानियत का पैदा हो गया और उस फितने के हवाले से काफी वजीर मौलाना अब्दुल वासे मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। इसके बराबर मुलाजिर हम आपको दिखा रहे थे। न्यूज़ 8 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, कुछ इसके ऊपर बात की जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और तमाम आलमी कवानीन के मुताबिक है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर वो रद्दमल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के तबसरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर को डिमार्श किया जाएगा। अमरीकी सफ़ीर के वजाहत की रोशनी आइंदा का लाहेमल तैयार किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह तबसरा एक फंड रेजिंग तकरीर के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू में किया था। उनका यह तबसरा दोनों ममालिक के दरमियान गुज़श्ता 4 सालों से बेहतर हम आहंगी न होने का नतीजा हो सकता है। We have summoned the ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Dolan Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official demarche. We meet all, each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. If there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns. बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बजाय हमसाया मुल्क के एटमी प्रोग्राम पर सवाल उठाना चाहिए। हाल ही में भारत से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर होकर पाकिस्तान की हदूद में आया। पाकिस्तान ने मिसाइल फायर होने के बारे में बताया। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के मुताबिक अपने बयान पर रद्दमल देते हुए साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक आज़ाद जिम्मेदार एटमी रियासत है। नाज़रीन इसी पर कुछ मज़ीद बात भी करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर इस वक्त हमारे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस सवाल से कुछ बात करते हैं। आलमी उमूर के माहिर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर हम अब देख रहे हैं कि कुछ बात भी की जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें ओवरऑल। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदु किया इस हवाले से। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि पाक अमरीका ताल्लुकात बहुत अहम हैं और स्पेशली इन ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इंतहाई अहम है, पाकिस्तानी परस्पेक्टिव से भी और अमेरिकन परस्पेक्टिव से। लिहाजा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बयानात हैं उससे ये ताल्लुकात खराब हो सकते हैं और अमरीकी मफादात को उससे शदीद नुकसान हो सकता है।
दूसरी बात ये कहूंगा कि सदर चूंकि जो बाइडन साहब एक उम्र रसीदा आदमी है और उनसे अक्सर स्लिप ऑफ टंग भी हुआ करती है और तकारीर के बाद वो किसी मखलूक से हाथ भी मिला लेते हैं। तीसरी बात यह कि अमेरिका अब तक सर्द जंग की जो सियासत है उससे बाहर नहीं आ सका, जिसमें वो ममालिक को धमका धमकू के तो अपनी बात मनवाया करते थे, तब भी पाकिस्तान अपने जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह है, कश्मीर का इशू है, उस पर कभी उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। तीसरी बात यह है कि अब दुनिया जो है ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर हो चुकी है, जिसकी वजह से अमरीका की पहले ही काफी सुबकी हुई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम हो। अमेरिका को ये समझना होगा कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर है और उसका असर रसूख प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने से एशिया में तकरीबन खत्म होता जा रहा है। चौथी बात ये कि ये फ्रस्ट्रेशन का मजहर है। अमेरिका चूंकि खित्ते के अहम ममालिक जितने भी थे उन्होंने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर दिया है, जैसे आप सऊदी अरब को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, यूएई के अमीर का भी रूस का दौरा था, यहाँ तक कि भारत जो कि उनकी स्क्वाड का मेंबर है और यूएन में चाइना रिलेटेड रेजोल्यूशन में उसने एब्सटेन किया, यूक्रेन के मामले पर खुल के सामने नहीं आ रहा। और अगर आप भारतीय मीडिया को इस वक्त ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा वो स्नैप कॉल दे रहे हैं इस वक्त अमेरिका को। और पांचवी बात ये कि अमेरिका को ये समझना होगा कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस जो हैं, तालुकात जो हैं, उनकी नेचर में तब्दीली आ चुकी है सिंस 2012-13, जिसमें पाकिस्तान अपने वाइटल और स्ट्रेटेजिक मफादात पर किसी मुल्क से समझौता नहीं करेगा, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, या हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ हो, या फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अगर अनासर होंगे तो उस पर भी हम किसी के नहीं सुनेंगे। छठी बात यह कि अमरीका को ये समझना होगा कि इसका तासुर पाकिस्तान में इंतहाई हद तक मनफी हो चुका है अफगानिस्तान की जंग की वजह से, कश्मीर पर जो उनकी पॉलिसी है, उनकी जंग इराक, शाम, यमन के अंदर जो जारी थी, इस तरह के मनफी बयान जो हैं अमरीकी मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाएंगे, जिसमें अमरीका की हिमायत ऑलरेडी हमने देखा है कि काफी उसके हिमायतकार छोड़ चुके हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया। इसमें अगर पाकिस्तान भी मुंह मोड़ लेगा तो मेरे ख्याल में इस खित्ते से अमरीका का हमेशा हमेशा सफाया हो जाएगा और उसकी जगह पे मुतबादिल ताकतें जो हैं जगह ले लेंगी। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त अमेरिका के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंतहाई सेफ एंड साउंड हैं और बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हैं, उन प्रोग्राम को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर बयान दे रहे हैं, जबकि भारत दूसरी तरफ जिसकी यूरेनियम इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है या जिसके मिसाइल गलती से चल पड़ते हैं और पाकिस्तानी हदूद के अंदर आते हैं, और पहले जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है दूसरे ममालिक खत्ते की दूसरे ममालिक में मिसाइल डेवलपमेंट के हवाले से, जहाँ पे आपकी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रोलिफरेशन के अंदर वो इन्वॉल्व रहे हैं, वहां पे तो आपने कभी इस तरह के बयान नहीं दिए। तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है और काफी मुदल्लिल किस्म के दलायल इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिए और मेरा ख्याल में वो पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी मौकफ की सही अक्कासी करता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आपने भी जिक्र किया, मैं इसी पर वापस आना चाहूंगी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हो या साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस पर बड़ी वजाहत की है। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने एक बात जो कही वो इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि जो गुजश्ता 4 साल है, जो सर्द महरी आई, जो दूरी आई, ये शायद उसका असर हो सकता है। तो क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? और दूसरा ये कि बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त की कि क्या ये सवाल भारत से नहीं होना चाहिए कि जिनके कभी मिसाइल चल पड़ते हैं, और उनसे ये सवाल होना चाहिए सर पाकिस्तान को इस मौके पर कैसा लाहे अमल और तर्ज अमल अपनाना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान का तर्ज अमल के अंदर आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आती है, चाहे रिजीम ए या रिजीम बी हो, हम अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते और जो हमारा रियासती स्टांस रहा है वो बड़ा मुदल्लिल किस्म का रैशनल बेस जिसके अंदर प्लाजिबिलिटी है वो नजर आती है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि चंद ऐसे हमारे मफादात हैं जिसपे हम की लाइन को ब्लू नहीं किया करते, प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान से लेकर अनफिनिश्ड एजेंडा है और पाकिस्तान की शहरक है। अफगानिस्तान चूंकि हमारा पड़ोसी है उसके ऊपर हम कभी वहां पे एंटी पाकिस्तान रिजीम को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, या पड़ोसी ममालिक अगर वहां जाके मुदाखलत करेंगे और पाकिस्तानी मफादात को ठेस पहुंचाएंगे और टेररिज्म को प्रमोट करेंगे तो उस पर हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे ताल्लुकात जो चाइना के साथ हैं वो अनक्वेश्चनेबल हैं, उसके ऊपर भी हम कभी किसी मुल्क से ये नहीं कहेंगे कि वो इसके अंदर टांग अड़ाए। और उसकी दलील हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का बड़ा
बयान था कि हम मिस्टर ब्लिंकन जो है जो स्टेट सेक्रेटरी है अमरीका के, कि वो पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के अंदर अपनी टांग मत अड़ाएं। तो मेरा ख्याल है उसके अंदर पाकिस्तान का मौकफ जो है उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। जहां तक आपने सवाल किया कि सर्द महरी अमरीकी मफादा, जब चूंकि पाकिस्तान अमरीकी तरफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमेशा डोमिनेट किया है, हमारे कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, हमारे कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी जो है अमेरिका की जो डिप्लोमेसी होती है और पाकिस्तान के जो करीब आता है वो उस वक्त आता है जब उसके सिक्योरिटी मफादात होते हैं। तो जैसे ही सिक्योरिटी मफादात खत्म होते हैं तो वो पीछे हटना शुरू करता है, और ये इस वक्त जो आंखें दिखाना है वो बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, चूंकि वो जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जरा सा कमजोर है, तो वो ये चाहते ही है कि सीपैक को रोल बैक करें, वो चाहते ही है कि चाइना के खिलाफ हमारे साथ उठ के खड़े हो जाएं। मेरा ख्याल है इस वक्त वो भारत जो कि क्वाड का हिस्सा है वो चाइना के खिलाफ खड़े होने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन के मसले के ऊपर खुलकर तैयार होने को तैयार नहीं है, और सारे ममालिक जो हैं इस खित्ते के एशिया के वो अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान किस हैसियत में तैयार हो जाए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफी एक मिडिल रेंज पावर की हैसियत से एक इंतहाई मुनासिब है, और काफी जो हमारी जो पोजीशन इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ली हुई है वो काफी मुनासिब है। उसके साथ साथ जो हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, या इवन इमरान खान साहब हों, मेरा ख्याल ये वो इशू है जिसपे कोई भी मेरा ख्याल है वो इस पाकिस्तानी स्टांस के खिलाफ नहीं जा सकता। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि इससे पहले भी, क्योंकि ये गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान ये जुमला कहा गया, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट का ये हिस्सा नहीं था, तो क्या ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे कोई ऐसी खास इंटेंट ना हो, एक आम सी गुफ्तगू हो रही थी और एक इवेंट के बाद की गुफ्तगू थी, सो ये जुमला उन्होंने कह दिया और लेटर ऑन हो सकता है कि वो अपने बयान से उसके बाद दोबारा रुजू कर लें उससे? मेरा ख्याल है उन्होंने टेस्ट किया है पाकिस्तान को कि देखें पाकिस्तान का इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। तो और दूसरी, मैंने जिस तरह से कहा कि उम्र रसीदा आदमी भी हैं और ये स्लिप ऑफ टंग उनकी अक्सर हुआ कर देती है, और बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसमें तकरीर के बाद वो हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं, वहां पे कोई बशर मौजूद नहीं होता, तो इस तरह की चीजें। और फिर लाजमी बात है उनसे बहुत सारी चीजें भूल भी जाया करते हैं, तो हम एक उनको क्या कहते हैं याद रखें कि डिप्लोमेसी के अंदर जो ऑफिशियल और इतने हाई रैंक ऑफिशियल हो, यानी सदर हो जो नुमाइंदगी कर रहा है, जिसके पास सारे पावर्स हैं, वो अगर स्टेटमेंट दे तो वो डिप्लोमेसी की नजर में एक्शन समझा जाता है, रियासत की तरफ से एक्शन समझा जाता है। तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है उनकी, उस पर मेरा ख्याल है उनको माजरत करना चाहिए और उसकी वजाहत करनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा फैसला है जो फॉरेन मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हम अमरीकी सफीर को तलब करेंगे और डिमार्श देंगे, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल सही फैसला है और इस पर फौरन अमल होना चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अमूमी तौर पे हम लोग थोड़े से जज्बाती वाकई हुए हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत ही डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर इस चीज को ट्रीट किया जा रहा है, मैं चाहूंगा आप इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक तरीका क्या होता है इस तरह के मसाइल को डील करने का। मेरा ख्याल है उसका यही है कि जब पहला तो स्टेप यही होगा कि आप सफीर को तलब करेंगे और अपने मौकफ से आगाह करेंगे और डिमार्श देंगे, और सेकंडली फिर आप जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़ा रैशनली और पॉजिटिवली इंगेज कर रहे हैं पूरी दुनिया को, यूरोप का दौरा हो या अमेरिका का हो, तो मेरा ख्याल है वो दोबारा अपने मौकफ को लेकर चलेंगे, और हमारी इस वक्त टीम जो है स्पेशली फॉरेन ऑफिस के अंदर। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और इस हवाले से अपना जो ओपिनियन है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। नाज़रीन, इस अहम खबर के हवाले से आपको फिर से कुछ डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस हवाले से एक डिटेल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक जो है मौक़िफ़ है पाकिस्तान को अपने सामने बयान किया। पाकिस्तान का अपने एप्रिल प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी सदर का जो बयान था उसके ऊपर अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके था। मैं मौलाना साहब का सदर जमीयत का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक बार फिर मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी।
अगर इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आइन की बात ना की जाए तो मैं समझता हूं कि वो सही मानों में मुफ्ती महमूद साहब की जिद्दोजहद से, उनकी कुर्बानियों से, उनकी दानिश से इनहराफ का मुरत्तब होगा। मौलाना साहब ने अपने इब्तदाई कलमात में जो आइन के बारे में बातें की, वो बातें आइन के अंदर दर्ज है। और सोचने की ये बात है कि जब 1973 के अंदर इस आइन को अमली जामा पहनाया गया तो उस वक्त की कयादत के दानिशमंदी को आप देखें कि उन्होंने मुल्क के आइंदा आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए 73 का आइन तश्कील दिया। इसलिए आपने ये बात देखी कि 73 के आइन के बाद मेरे अजीज हमवतनों कितनी दफा हुआ, लेकिन उनमें से किसी को भी ये जुर्रत ना हुई कि वो 73 के आइन को मुअत्तल कर दें। हां, उसको कभी अबेयंस में रखा गया, उसको कभी मुअत्तल किया गया, लेकिन उसको मनसूख करने की जुर्रत किसी को ना हुई, क्योंकि उनको इस बात का इल्म था कि इतना बड़ा कौमी इत्तेफाक जो आइन के साथ हुआ है वो इत्तेफाक अब मुमकिन नहीं है। और यही वो सलाम है, यही वो अकीदत है उस वक्त की लीडरशिप, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो वली खान साहब हो, या चाहे वो मुफ्ती साहब हो, कि उनकी दानिश ने इस मुल्क को आज दिन तक यकजा रखा, और यकजा रखने की वजह वो आइन था। लेकिन मौलाना साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि आइन की बुनियादों में इस्लाम का बुनियादी कॉर्नरस्टोन है, लेकिन उसके साथ साथ मुफ्ती साहब की भी ये जिद्दोजहद थी, और वो जिद्दोजहद सूबाई खुद मुख्तारी की थी। वो जिद्दोजहद ये थी कि वसाइल का कंट्रोल, वसाइल का मालिक सूबा और सूबे के अवाम होंगे। वो ये थी कि इस्लामाबाद में इक्तदार की शिरकत में सूबे बराबर के शामिल होंगे। लेकिन हमने ये देखा, और हमने ये अफसोस के साथ देखा कि आने वाली
चाहे फौजी हुकूमत हो चाहे सियासी हुकूमतें हो, उन्होंने आईन के साथ और बिलखसूस सूबाई खुद मुख्तारी के साथ खिलवाड़ किया। और आज मैं ये कहता हूं और मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब की कॉन्फ्रेंस सबसे अहम जगह है। मुफ्ती महमूद ने आईने पाकिस्तान की तश्कील में मुअस्सर कोशिशें की। मुफ्ती महमूद ने सूबाई मुख्तारी के लिए भी जद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी रहनुमा रज़ा रब्बानी मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि दरोगोई और इल्ज़ामात लगाना इमरान खान का वतीरा है। पहले कहते थे कि हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, अब कहते हैं कि हुकूमत के दौरान मुझे फैसला ही नहीं करने दिया गया। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान का दोहरा मयार दुनिया के सामने आ चुका है। कभी कहते हैं कि मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूं और मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है और मैं दबा के फैसले करता हूं, मुझे कोई रुकावट नहीं। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। तो भाई अगर फैसला नहीं करने दिया गया तो पौने चार साल आप क्या करते रहे? आप तो यही कहते रहे कि मैं मुझे पूरा इख्तियार है, मैं मुख्तार हूँ, तमाम फैसले मैं करता हूँ। मैं आपको गवाह बनाकर कहना चाहता हूं बला खौफ तरदीद कि ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक, सर से लेकर पांव तक झूठ बोलना, दरोगोई करना, इल्जामात लगाना और दिन रात कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ साजिश करना, इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जब इक्तदार संभाला तो मुल्की मईशत की सूरत हाल बहुत अबतर थी। हमने मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल इकदाम उठाए क्योंकि इखलास और नेक नीयती से तमाम मुश्किल दूर हो सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम जानते हैं कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली का इनकलाब लाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं कि इन रहनुमाओं की रहनुमाई में, मेरे कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई ने, हमने बहुत मुश्किल हालात से हम गुजर के आए हैं और अभी भी उसमें गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम मुश्किलात से निकल आएंगे, मेरा ये ईमान है। उस मालिक ने ये मुल्क, अजीम मुल्क पाकिस्तान, ये मार्ज वजूद में आया गरीब रहने के लिए नहीं और कशकोल ले जाने के लिए नहीं, खुददारी और इज्जत के साथ रहने के लिए और तरक्की करने के लिए, खुशहाली का इंकलाब लाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुफ्ती महमूद की मुल्क व कौम के लिए गना कदर खिदमात को खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुफ्ती महमूद मरहूम ने इल्म के फरोग में अहम किरदार अदा किया। वो इंतहाई सदा तबीयत इंसान थे और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर यकीन रखते थे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान पेरिस क्लब के अलावा बाकी मानदा 27 अरब डॉलर के कर्जों की रीशेड्यूलिंग चाहता है। बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान के कर्जों के दिवालिया होने, दिसंबर में काबिल अदायगी बॉन्ड्स की मेच्योरिटी तारीख में तौसी और IMF प्रोग्राम फंड पर दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का तखमीना 32 अरब डॉलर है। हालिया बारिशों और सैलाब के बाद कसीर जहती बैंक और बैन अलावामी डोनर्स का रवैया पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात के हवाले से लचकदार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर दो तरफा कर्जा देने वाले इदारों और ममालिक के साथ कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग का मामला उठाएगा। एक सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि करंसी की कदर के मामले पर हुकूमत फिजिकल मुदाखलत नहीं कर रही। हम समझते हैं कि डॉलर की कदर के लिहाज से रुपए की असल कीमत 200 रुपए बनती है। डॉलर की कदर अब 219 रुपए है। मैं मजबूत करंसी और करंसी की हकीकी कदर का हामी हूँ। करंसी का तायुन मार्केट की हरकत पर मबनी होना चाहिए, ताहम इसे किसी और करंसी का यरगमाल नहीं बनना चाहिए।
अज़ीन वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान मसरूफ़ दिन गुजारा। अपने दौरे के दूसरे रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने बरतानिया में उमूर खारजा और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की वज़ीर विकी फोर्ड से मुलाकात की। उन्होंने सैलाब के चैलेंजेस से निपटने के लिए माली मदद पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने DCTS स्कीम के तहत पाकिस्तान और दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक को दी जाने वाली तजारती रियायतों की भी तारीफ़ की। बरतानवी वज़ीर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। दोनों फरीकों ने दो तरफा तरक्याती तआवुन को मजीद फरोग देने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सैलाब के असरात और रद्देअमल पर आला सतह गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। कॉन्फ्रेंस की सरबराही वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रॉयजर्स और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बरतानिया के वज़ीर आज़म के नुमाइंदा नाइजल केसी ने की। कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े दो तरफा और कसीरुल जहती तरक्याती शराकत दारों और अतिया दहिंदगान ने भी शिरकत की। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक UNDP, यूरोपीय यूनियन और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तौर पर आफात के बाद पाकिस्तान की ज़रूरत के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना ने बहाली के चैलेंजेस से निपटने के लिए मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान अब्दुलरहमान अल मुर्शद के साथ मुलाकात भी इंतहाई नतीजा खेज रही। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सुल्तान अब्दुलरहमान अल मुर्शद ने पाकिस्तान को हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड में डायरेक्टर बराए मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया जिहाद और से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा, आवाम को बिजली के बिलों में वाज़ह रिलीफ मिलेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट 9 रुपये 70 पैसे से कम कर दी गई है। गुजरावाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के बिलों के मद में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नवंबर के बिलों में सिर्फ 19 पैसे की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो कि जून में 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट थी। तो लिहाजा अब उसके अंदर जून के मुकाबले में 9 रुपये 70 पैसे की कमी आ गई है। मुकम्मल तौर पे सबको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लाइफलाइन कंज्यूमर्स को तो चार्ज नहीं होती। नाज़रीन यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। Ladies and gentlemen, we look forward to your continued support as we transition to the more daunting phase of rehabilitation and reconstruction. And let me assure you, we are determined and we are committed by the grace of God that we will emerge stronger from these floods and we shall, inshallah, bounce back in a very short period of time. जिंदगी की आग अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। वेलकम बैक। 8 कौमी और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में कल इंतखाबात का इनेकाद होगा। कल हलकों की तादाद 11 है। इन हलकों में कितने उम्मीदवार आमने सामने हैं, तैयारियां किस तरह की हैं, आइए आपको दिखाते हैं इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। कल बरोज इतवार मुल्क के तीनों सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। कल होने वाले इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली की कुल 11 नशस्तें हैं, जिन 8 नशस्तें कौमी असम्बली और 3 नशस्तें सूबाई असम्बली की हैं। अगर कौमी असम्बली की नशस्तों की तकसीम की बात की जाए तो पंजाब में ये सीटें 3, कराची में 2
और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी तादाद 3 है, जबकि सूबाई तीनों नशस्तें पंजाब की हैं। इन इंतखाबात में सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ साथ आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मैदान में है। जिन हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब, NA 157 मुल्तान, NA 237 मलीर, NA 239 कोरंगी कराची, PP 241 भावलनगर, PP 209 खानेवाल और PP 139 शेखुपुरा शामिल हैं। इन सीटों के लिए पंजाब में 52, सिंध में 33 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 उम्मीदवार हैं, जबकि इन हलकों में तकरीबन 44,72,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरह पंजाब में 1,434, खैबर पख्तूनख्वा में 989 और कराची में 340 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। अगर इंतजाम की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम इंतजाम मुकम्मल है और वोटिंग के रोज अमन अमान को बरकरार रखने के लिए क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर पाक फौज के दस्ते भी चाको चौबंद हैं। नाज़रीन, कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IG को मरासला जारी किया है, जिसमें वोटर्स, पोलिंग अमले, उम्मीदवार और सियासी जमातों को पुरम माहौल फराहम करने और सूबाई इंतजामिया को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से कहा गया है। मुल्क में जारी सियासी पोलराइजेशन और सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को मजीद चौकस और खबरदार रहने की ज़रूरत है, ताकि इलेक्शन का शफाफ और गैर जानबदाराना इनकाद यकीनी बनाया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पोलिंग के सामान की तकसीम और दीगर इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी नौयत की शिकायत को निपटाने के लिए सेंट्रल और सूबाई सतह पर अलग अलग कंट्रोल रूम्स भी बना दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्त में अकबर एस बाबर को फरीक बनाने की दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने 18 दिन बाद महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI की जानिब से अकबर एस बाबर को फरीक न बनाने की इस्तदआ भी मुस्तरद कर दी। 18 सितम्बर को दौरान समात इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बता दिया था कि अकबर एस बाबर को फरीक बनाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं। बस इन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद खुराक और तरक्की के हुसूल में देही खवातीन के किरदार को उजागर करना है। मजीद तफसील के लिए मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में 2 अरब से जायद और पाकिस्तान में तकरीबन 7.5 करोड़ खवातीन देही जिंदगी बसर कर रही है। दौरे जदीद में 4 करोड़ से जायद पाकिस्तानी देही खवातीन की मोबाइल फोन तक रसाई नहीं, जबकि 41% देही खवातीन को तालीम और तकरीबन 30% को आमदनी के मौके मुयसर नहीं। खुराक और दूध और गोश्त की पैदावार के हसूल में कोशिशें ये खवातीन दरअसल शहरी अवाम की जरूरियात पूरा करने में भी सरगर्म अमल हैं। पाकिस्तान की देही खवातीन आमतौर पर अमूर खानदारी निमटाने के बाद खेती बाड़ी, कपास की चुनाई, गंदम और दीगर फसलों की कटाई और मवेशियों की देखभाल के काम अंजाम देती हैं। भट्टों पर ईंटों की तैयारी और बुनियादी ढांचे की तामीर में भी ये खवातीन पेश पेश हैं, लेकिन दिन भर मुशक्कत के बावजूद सिन्फी इम्तियाज के तनाजुर में मिलने वाला मुआवजा कम होता है। फजर दो बजे तक खड़े हैं तो 400 मजदूरी मिलती है, तो सारा सा सरकट घर का चलावने किडो सा पूरी करूँ, निके निके बाल हैं साले। सारे बंदे की भी रोजी क्या नहीं, बालों को तकलीफ है, ऐसा खुद भी मरीज आए में फरसुदा रिवायात, जाहिलाना रसूम और रिवाज, तालीम की कमी, जायदाद में शरई हिस्से की महरूमी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे मसाइल की वजह से समाजी तहफ्फुज का अमल मुमकिन बनाने के लिए ठोस इकदामात की जरूरत है। मुल्की आबादी का बेशतर हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। देही खवातीन को समाजी और माली एतबार से बाख्तियार बनाकर मुल्क की तरक्की के अहदाफ बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें।